दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। मैं लगातार सुबह ही वीडियो में बताया था कि इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अंतिम दौर पर है, मुहर लगने ही वाली है, हो जाएगा। गोदी मीडिया कल से दिखाना शुरू कर दिया कि गठबंधन टूट गया, लेकिन मैंने आज सुबह ही जब वीडियो डाला था तो उसमें बता दिया था कि गठबंधन होकर रहेगा। अब बड़ी अपडेट आ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है संयुक्त समाजवादी पार्टी और साथ में कांग्रेस की, 17 सीट। तो अब कहानी पूरी समझिए कि अखिलेश यादव के पास 63 सीट, 63 में और दलों को भी अखिलेश यादव देंगे। बड़ी खबर है जो कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के आ रही है, आपको बता दूं, लगातार मैं बोल रहा था कि जो बोलता वो सत्य होकर ही रहता, क्योंकि सूत्र जो मजबूती से हम मीडिया में काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 17 सीट कांग्रेस को मिल गई, अब 63 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पाले में आ चुकी है। अब मैं बता दूं कि अखिलेश यादव जो कि अब क्या करने वाले, अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ बिल्कुल एकमुश्त, उनको भी जो कि एक लोकसभा सीट से वहां से चुनाव लड़ाएंगे। और भी चर्चाएं चल रही चंद्रशेखर के आजाद के साथ कि किस तरह से समन्वय बनाया जाए कि वहां पे जो कि कैंडिडेट जो है अदर जो वहां पे कैंडिडेट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे जाट समाज से हो, गुज्जर समाज से हो, जिस सीट पर जिसकी बाहुलता हो, मुस्लिम समाज से हो, और साथ में चंद्रशेखर आजाद जो कि चुनाव लड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, एक सीट से लड़ेंगे, उसमें कोई शक सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी में इस पे मंथन कर रही है, और भी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद के साथ बात बन सकती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को समर्थन करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो समन्वय है, दलित पिछड़ा और साथ में मुस्लिम समाज का एक बड़ा गठजोड़ होगा, किसान आंदोलन में जिस तरह से राकेश टिकैत वाला जो खेमा है, जो जैन चौधरी से नाराज चल रहा है कि 700 किसानों की हत्या हो गई, और उसके बावजूद भी जैन चौधरी बीजेपी से जाके लठ खाने के बाद हाथरस में बीजेपी से जाते गठबंधन करते हैं, तो वो समीकरण को साधा जाएगा। जाट वोटर नाराज जो है उनको पाले में लिया जाएगा, उन नेताओं को पाले में लिया जाएगा। अब रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट होगी। उधर पल्लवी पटेल से भी डिम्पल यादव की बात हुई, जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 25 से 30 मिनट के तक बात हुई डिंपल यादव से, सारा समन्वय बन गया है। कृष्णा पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, इस तरह की अपडेट आपको बता दूं। और केशव देव मौर्य को भी जो कि चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, और संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के हैं, केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं, उनको भी अखिलेश यादव अपने इंडिया गठबंधन में 63 सीटों में समायोजित करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास करेंगे। इस 63 सीट में केवल अखिलेश यादव अकेले नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव जो सूत्र बता रहे हैं कि उनका कहना है कि किसी भी तरह से इस 2024 के लोकसभा चुनाव का समीकरण बिल्कुल परफेक्ट बैठाया जाए, ताकि जो ओबीसी दलित पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण एक मुस्त बने। इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए पर ज्यादा जोर दिए हैं, अगड़ों को भी भूमिका जो सामाजिक न्याय को मानते हैं और उसको सौहार्दपूर्वक जानते हैं, उनको भी इसमें भागीदारी देने का काम अखिलेश यादव करते चले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी के जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, केशव देव मौर्य, पल्लवी पटेल की पार्टी रहेगी। और ये भी खबरें बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की कल पार्टी का गठन होने के बाद भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया जाएगा। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इसको समर्थन मिल सकता है, ये भी अपडेट बता दूं, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। निश्चित तौर पर बड़ी अपडेट आपको बता दूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।